सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आजमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के वाई सीरीज फोन के एंड्रॉइड 12 एंड फन टच ओएस 12 अपडेट के बारे में। हाँ, सो कौन कौन से डिवाइस को अपडेट देखने को मिलने वाला एंड कब तक अपडेट देखने को मिलने वाला है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों हम बात करने वाले हैं कौन कौन से डिवाइस को एंड्रॉइड 12 एंड फंटच ओएस 12 का अपडेट देखने को मिलने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो चलता हूं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देता हूं। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग को साइड में स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ वीवो के फंटच ओएस 12 अपडेट के बारे में। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, फंटच ओएस 12 बेस्ट ऑन एंड्रॉइड 11। कुछ डिवाइसों को यहाँ पे फंटच ओएस 12 पे एंड्रॉइड 11 दिया गया है, जो कि लॉन्च किया गया था डिवाइस एंड जो कि वीवो का B23 यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जो कि आउटपुट यहाँ पे जो कि देखने को मिल जाता है यहाँ पे डब्बे के अंदर फंटच ओएस 12 एंड एंड्रॉइड 12, जो कि मेरे पास वीवो का B23 फोन यहाँ पे है, मैं यूज कर रहा हूँ, इसी से मैं यहाँ पे वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वाई सीरीज फोन के बारे में, जो कि कौन कौन से डिवाइस को और कौन से मंथ में यहाँ पे अपडेट देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 12 बेस्ट यहाँ पे नीचे मिल जाता है ऑफ एंड्रॉइड 12, यहाँ पे वर्जन लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे आप देख सकते हैं, चूंकि एंड्रॉइड 12 लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि नीचे दिख रहा होगा डिवाइस ऑफ द यहाँ पे एंड्रॉइड 12 इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का फंटच ओएस 12 का लोगो देखने को मिल जाता है। उसके बाद नीचे आते हैं, एक और स्क्रीन शॉट मेरे पास है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी डिवाइस को अपडेट मिल भी गया, उसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवो का X70 Pro Plus यहाँ पे, जो कि हमें नवंबर में एंड्रॉयड 12 का अपडेट इसको मिल गया था और यहाँ पे कुछ बीटा अपडेट यहाँ पे दिया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे वीडियो को रोककर। उसके बाद यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वाई सीरीज फोन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे वाई सीरीज नीचे मिल जाता है आपको, नीचे आप देख सकते हैं Y21, जो कि Y21 हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है जनवरी 2022, जो कि एंड जनवरी 2022, जो कि जनवरी निकल चुका है। और यहाँ पे अगर आपके पास वीवो का Y21 फोन है, अगर आपको एंड्रॉयड 12 अपडेट मिल चुका है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको एंड्रॉयड 12 अपडेट नहीं मिला है, तो जो कि यहाँ पे बेटा टेस्टिंग अपडेट चलता है, कुछ दिनों तक चलता है, तो इसमें अगर आपको नहीं मिला है तो कुछ दिन के बाद आपको अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, जो कि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, चूंकि अगर आपको अभी तक अपडेट नहीं मिला वीवो के Y21 फोन में, तो आप कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं, जो कि आपको नंबर एक मिलता है वीवो के स्टोर में, वहां से नंबर लेकर और आप कस्टमर केयर से भी बात करके यहाँ पे पूछताछ कर सकते हैं, जो कि आप पता कर सकते हैं क्यों अभी तक हमें वीवो के Y21 फोन में अपडेट एंड्रॉइड 12 का देखने को नहीं मिला है। तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, अगर आपको नंबर नहीं पता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहां से भी आप जाके ले सकते हैं। उसके बाद बात करने वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी डिवाइसों को यहाँ पे जनवरी में नाम दिया गया था, इन सभी डिवाइसों को अगर अपडेट नहीं मिला है तो आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं हम मार्च, जो कि एंड ऑफ मार्च 2022, तो यहाँ पे हमें X53 एंड यहाँ पे आपको Y33S, जो कि अभी मार्च आया नहीं है, जो कि हमें यहाँ पे वीवो का B20ES एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवो का Y33S एंड यहाँ पे वीवो का Y20G एंड Y53S एंड वीवो का Y12S, इन सभी डिवाइसों का नाम यहाँ पे आ रहा है मार्च में। तो इन डिवाइसों का नाम यहाँ पे मार्च में आ रहा है एंड इसको मार्च में बीटा अपडेट दिया जाएगा, जो कि कुछ टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग चलेगा यहाँ पे 10 से 15 दिन। उसके बाद जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सभी डिवाइसों के यहाँ पे अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि कन्फर्म यहाँ पे मैंने आपको बता रहा हूँ मार्च में आपको एंड में सभी डिवाइसों को अपडेट देखने को मिल जाएगा वीवो के यहाँ पे वाई सीरीज फोन को। उसके बाद नीचे मिल जाता आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड ऑफ अप्रैल 2022, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवो का B70 Pro एंड वीवो B70, जो कि इसके बारे में मैं वीडियो बनाया हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो नीचे मिल जाता आपको S1 Pro एंड वीवो का Y73 एंड यहां पे आप देखते हैं वीवो का Y73 फोन यहां पे लेटेस्ट है, जो कि इसको भी आपको अप्रैल में एंड में देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 12 फंटच ओएस 12 का अपडेट। उसके बाद नीचे मिल जाता आपको
वीवो का 51 एंड Y20 i, वीवो का 30 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इन सभी डिवाइसों का नाम यहाँ पे अप्रैल में आएगा और अप्रैल में बीटा अपडेट दिया जाएगा, कुछ डिवाइस को टेस्ट होगा, उसके बाद जाके सभी डिवाइसों का यहाँ पे अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि कंपनी की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, जो कि 100% आपको एंड्रॉयड 12 का अपडेट देखने को मिलने वाला है। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे वीवो के वाई सीरीज फोन के बारे में, चूंकि यहाँ पे वीवो का Y20s एंड यहाँ पे आप बात करते हैं वीवो का Y33s, यहाँ पे बात करते हैं वीवो का Y53s, इन सभी डिवाइसों को यहाँ पे एंड्रॉयड 12 अपडेट मार्च में दिया जाएगा एंड वीवो का Y20, Y20i, Y30 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अप्रैल लास्ट में, जो कि आपको लास्ट मंथ में आपको एंड्रॉयड 12 FantasOS 12 का अपडेट देखने को मिलेगा। कुछ फीचर्स वगैरह यहाँ पे UI आपको चेंज किया गया है, जो कि मैं यहाँ पे वीवो का B23 यहाँ पे फोन यूज कर रहा हूँ, इसमें FantasOS 12 का अपडेट है यहाँ पे ऑलरेडी डिब्बे के साथ यहाँ पे हमें देखने को मिला था, तो इसका जो अलग ही यूज है यहाँ पे FantasOS 12 का। तो आप भी यहाँ पे वेट कर लीजिए, आपके भी फोन में एंड मार्च एंड अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए सो आज के लिए इतना ही, आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के इंप्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए सो फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।